ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज नॉन जीरो, मीन्स ये वेक्टर है ठीक है, वी है, तो इसके क्या बनेंगे, कंपोनेंट्स बनेंगे ऐसे, ये वी एक्स बना, ये वी वाई बना। अब इतनी हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, अब आगे चलते हैं कि इफ वन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, मीन्स कि यहाँ तो वी एफ वी एक्स जो है वो नॉट जीरो है, और वी वाई क्या है नॉट जीरो, कैन इट्स मैग्नीट्यूड भी जीरो, तो वी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, स्केयर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर। अब दोनों केसेस ले लेते हैं कि यहाँ तो वी एक्स उसका नॉन जीरो है ठीक है, और इस केस में फोर वी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो क्या बन सकता है, दो केसेस बन सकते हैं। पहला क्या कि जो है वी वाई जीरो है, तो उसमें क्या हम करेंगे, वी निकालेंगे, तो आंसर क्या आया कि ये दोनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, वी एक्स स्क्वेयर भी करता है प्लस वी वाई स्क्वेयर भी करता है, तो मीन्स कि ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आंसर जीरो नहीं आया। सेकंड केस ले लेते हैं कि जिसमें इसमें क्या है, एक्चुअली यहाँ पे हमने जीरो लिखा था, तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, स्टिल आंसर नॉन जीरो है क्योंकि आंसर आ गया वी एक्स, तो ये नॉन जीरो है। सेकंड में हम क्या करते हैं, वी वाई को इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो इस केस में वो जो पहले हमने आंसर लिखा था वो बन जाएगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, और ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, मीन्स वी एक्स वाले केस में ये क्या है नॉट जीरो है। इसी तरह आप सेकंड केस करोगे उसमें भी सेम आंसर आएगा, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो आगे, तो उसमें भी सेम आंसर आएंगे, तो हम कहेंगे कि नो इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इज नॉट जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर कैन नॉट बी जीरो।